अयोध्या महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होने आए वसीम रिजवी महंत को दी बधाई व राम मंदिर निर्माण को लेकर दिया 10,000 रुपए दान। राम मंदिर निर्माण को लेकर सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कार्यशाला में 10,000 रुपए दान दिया तथा श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को जन्मोत्सव की बधाई देने पहुँचे, जहाँ महंत से राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा में भी किया तथा बताया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कोर्ट में हमने एक हलफनामा दाखिल कर दिया है और अब आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने साकेत न्यूज टीम से बातचीत में कहा कि महंत नृत्यगोपाल दास के जन्मोत्सव पर बधाई देने आया हूँ और उनके लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ। देखिए, उनको जन्मदिन की बधाई देनी थी और उनके लिए अल्लाह से दुआ की है कि उनको अल्लाह बहुत लंबी उम्र दे और उनका जो सरपरस्ती है वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के सर पर बनी रहे। आज हम अयोध्या इसीलिए आए थे। देखिए, अयोध्या में जो प्राचीन श्री राम के मंदिर थे उनको तोड़ने वाले जालिम ज़हनियत के जो कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने ही तो मोहम्मद साहब की बेटी का जो मज़ार था जन्नतुल बकी उसको सऊदी अरब में तोड़ा है। जो राम मंदिर निर्माण में कट्टर मुसलमान रोड़ा बने हुए हैं वो भारत माँ के गद्दार हैं। जिसकी धरती पर, जिसकी जमीन पर पल पुस रहे हैं, उसी की छाती पे खंजर भोंकने की तैयारी कर रहे हैं। एक मुकदमा जीतने से बेहतर है कि करोड़ों राम भक्तों के दिलों को जीता जाए। आज हम एक सेक्युलर मुसलमान होने के नाते राम मंदिर जो ये निर्माण कार्यशाला है यहाँ आए हैं, यहाँ पर हम अपनी हैसियत के हिसाब से यहाँ पर दान भी करेंगे मंदिर निर्माण के लिए। और ये एक छोटा सा जो हमारी भेंट है मंदिर निर्माण के लिए बहुत बड़ा मोहब्बत का पैगाम है। अब उन कट्टरपंथी मुल्लाओं को चाहिए, उनकी तंग ज़हनियत जो अशिक्षित मुल्ला है उनको चाहिए कि मुझको धर्म से निष्कासित कर दे, जैसे कि वो अक्सर करते रहे। इस देश में, ये देश मोहब्बत भाईचारे से चलेगा, ये देश नफरतों से या तासुब से नहीं चलने वाला। जिनको तासुब बरतना है, जो तासुब के सौदागर हैं, उनकी जगह हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम की तरह जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, वैसे ये तासुब के जो सौदागर हैं इनको भी पाकिस्तान में ही शरण लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो सेकुलर मुसलमान हैं, वो चाहते हैं कि ये विवाद खत्म हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बने और मुसलमानों के लिए यहाँ पर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। हमने प्रस्ताव दिया है कि लखनऊ में मस्जिद अमन बन जाए, हमने कोर्ट में भी ये बात कही। सर, कितना आप देखिए, हमारी अपनी हैसियत के हिसाब से आज हम शुरुआत कर रहे हैं 10,000 रुपये से, जो आज हम मंदिर निर्माण के लिए दे रहे हैं। जिस दिन निर्माण शुरू होगा, हम नहीं, बहुत से सेकुलर मुसलमान सामने आएंगे और जो जिसकी हैसियत से हो सकता होगा वो निर्माण में सहयोग करेगा। निर्माण में आस्था से सहयोग करना ये सबसे अहम चीज है। अयोध्या फैजाबाद जुड़वा शहर में इस भीषण गर्मी में लोगों का घर से निकलना व ऑफिस जाना हुआ मुश्किल। लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नींबू पानी का शरबत हर 10 मिनट में पीना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी गर्मी शांत नहीं हो रही है। जून का महीना भी खत्म होने जा रहा है पर अभी वर्षा की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। बताते चले, अयोध्या नगर निगम में भी अयोध्या में आए हुए तीर्थ यात्रियों के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को 20 रुपए
बोतल पानी लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। हैंड पंप की भी अपने आप में आंसू बहा रहा है। बताते चले, कई वार्डों में पानी की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इस ओर नगर निगम का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। फैजाबाद जिला चिकित्सालय के फीमेल वार्ड के शौचालय में गंदगी का आडंबर। दूर दराज से आए हुए मरीजों और तीमारदारों को हो रही काफी दिक्कतों का सामना। बताते चले, अस्पताल प्रशासन सफाई व्यवस्था के नाम पर केवल खाना पूर्ति करती है। जगह जगह कूड़े का ढेर मिलेगा और पानी की किल्लतों से लोगों का जीना हुआ दूभर। बाहर से लेके आते हैं पानी। अभी आप लेटरिन गई थी क्या? ज्यादा साफ है? एक साफ है, बाकी सारे गंदे हैं। एक तो आपने बताया किसी को? हमने किसी। कब से हैं यहाँ पर एडमिट? आए तो हम तो 3 तारीख से। 3 तारीख से हैं और कभी सफाई नहीं होती? नहीं, रोज होती है। ये यहाँ के लोग गंदे हैं, जो सुबह सुबह इतनी सफाई हुई थी, सारी लेटरिन साफ की गई थी, लेकिन फिर सफाई से कोई।